Hey guys, welcome back again, and I'm here for you again with the higher order thinking questions, hot questions. देखो अभी हमने जो लास्ट किए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स किए, वील कंटिन्यू फर्दर. अभी थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि किस टाइप के, अगर सपोज गुड सर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट निकला तो किस तरह के क्वेश्चन हमें हायर ऑर्डर वाले कैसे करने चाहिए. तो यहाँ पे वन बाय वन मैंने करीबन 10 टू 14 क्वेश्चन ले रखे हैं. लेट्स सी वन बाय वन. एंड पहला क्वेश्चन जो हमें बताया गया है इन दिस दैट वन कंपाउंड MPXQ has cubic close packing. CCP बताया, arrangement of X. यहाँ पे बताया MPXQ में जो CCP के अंदर arrangement है वो X है. मतलब यहाँ पे can you see this? X जो है यहाँ पे जो उन्होंने circle करके बना के रखा हुआ है उसकी arrangement ये जगह पे है और वो CCP में है. They are in the places of CCP. And its initial structure shown below. Okay, the empirical formula of the compound. यहाँ पे कंपाउंड का क्या होना चाहिए. बाय द वे एम जो स्क्वायर है वो स्क्वायर यहाँ पे बताया गया है आपको, और इसका फॉर्मूला फाइंड करना है. बहुत ही सिंपल सा तरीका है, देखो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. सिंपल से तरीके से, सबसे पहले सिंस जो हमारे पास एक्स है इन सीसीपी है, सिंस एक्स इन सीसीपी, नंबर ऑफ एक्स विल बी 4 रहेंगे. एंड अगर आप ध्यान से देखते हो एम के बारे में, तो एम ने ये एच सेंटर पे ऑक्यूपेंसी ले रखी है और चार ही एच सेंटर पे, एट द सेम टाइम एक बॉडी सेंटर पे भी है. सो नंबर ऑफ, अगर एम फाइंड करते हैं, सो 4 एच सेंटर पे ऑक्यूपेंसी है और हर एक एच सेंटर का ऑक्यूपेंसी होता है 1/4, बिकॉज वो यूनिट सेल में आजू बाजू डिवाइड हो जाता है. एंड देन प्लस बॉडी सेंटर में 1 है, तो अगर हम देखते हैं तो ये बन जाते हैं 2. सो m is to x का रेशियो देखते तो वो 2:4 है, या तो हम बोल सकते हैं इट इज 1:2 है. therefore formula आना चाहिए mx2. इसका आंसर क्या है? mx2. are you getting that? let's continue further. that was the question number 1. let's go to the next question, question number 2. question 2 में हमें यहाँ पे बताया गया, in a closed pack structure of mixed oxide, oxide है, the lattice is composed of oxide ion, lattice के अंदर oxide ion है. 1/8 of the tetrahedral voids are occupied by the divalent cation, while 1/2 of the octahedral voids are occupied by the trivalent cation. Let's say our divalent cation capital A hai, and trivalent cation capital B hai. And theek hai, and oxide bataya gaya hua hai. इसका एक शॉर्टकट बता दूं सम सॉल्व करने से पहले. चलो एक शॉर्टकट करते हैं, शायद हो जाए शायद नहीं भी हो. देखो इस तरीके से केटायन, उन्होंने डाइवेलेंट ए बताया, तो ए के ऊपर +2 की वैलेंसी रहेगी, बी के ऊपर +3 की वैलेंसी रहेगी, और जो ऑक्साइड से ओ के ऊपर -2 की वैलेंसी रहेगी. इसको हम सॉल्व करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्या ये न्यूट्रल बनता है कि नहीं बनता है. जैसे कि इसके अंदर आप लगाओगे 2:+2, बी इज +3, +3:-2 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये बनने वाला +7 है -2, तो ये तो नहीं हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. यहाँ पे 4:-2 -8 होगा, और इसकी बात करेंगे +2 + 2:+3. हाँ ये हो सकता है एक आंसर, Ab2O4. Let's check out with the other also. Ab2O3 शायद मुझे chances कम लग रहे, because 3 oxide 3:-2 -6 हुआ, whereas Ab2 की बात करते तो ये +2 हुआ, 2:+3 + 6 = 8, तो ये भी नहीं हो सकता है. A2BO4 भी मुझे कम लग रहा है, because 4:-2 - 8 होता है, ये +2 का 4 हो जाएगा और ये -3, ये एक ही आंसर हो सकता है. सिंपल सा तरीका है, why should we solve the whole sum? लेकिन सपोज उन्होंने ये mention नहीं किया है, ये एक शॉर्टकट मैंने बताया कैसे सॉल्व करना चाहिए. लेकिन सपोज उन्होंने डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट केटायन नहीं बताया, खाली ऐसा बताया दैट केटायन ए एंड केटायन बी दे आर ऑक्यूपाइंग सर्टेन स्पेस, तो कैसे करेंगे? जैसे हमने, हमको यहाँ पे बताया गया 1/2 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द बी एंड tetrahedral voids, 1/8 of tetrahedral voids are occupied by the cation A. तब ये सब को कैसे करना चाहिए वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ. सी उन्होंने बताया है CCP जो अरेंजमेंट कर रहा है, CCP के अंदर ऑक्साइड्स है, तो हम एक काम करते हैं, सिंस CCP ऑक्साइड ले रहा है तो लेट्स से नंबर ऑफ एटम ऑक्साइड के 4 है. नाउ
केटायन ए आपको दे रहा है, यहाँ पे बताया है 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रॉइड, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, उसका मतलब ये हो गया 1/8 into 8, because tetrahedral summation twice the number of atom oxide के रहेंगे, तो वो हो गया 1. And then B की बात करते हैं, तो B के अंदर 1/2 of the octahedral weight बताया हुआ है, B is 1/2 of octahedral. अभी हमें पता है 1/2 of octahedral, octahedral weight is always equal to number of oxides, because it should be equal to number of atoms, तो वो बन गया 2. तो आपके पास यहाँ पे A बना है 1, B बना है 2, O बना है 4. सो फॉर्मूला आया AB2O4, दैट्स द आंसर. बराबर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है? विल कंटिन्यू फर्दर. आगे हम जरा देखते हैं यहाँ पे. तो हमें यहाँ पे बताया गया है आगे, सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैच द टाइप ऑफ पैकिंग गिवन बिलो in column 1 with the column 2. Pehla wala de rakha hai square closed packing in 2 dimension. 2 dimension mein square closed packing, I think so triangular voids nahi hoga. Coordination number 4 rehta hai square closed packing ka. To yahan pe ye 1 ke sath answer aa rahana chahiye. That's why option A aur option B to ho hi nahi sakte, because 1 ke sath yahan pe answer nahi hai. Option C and D ho sakte. Main aage badhu usse pehle, can you see this? दोनों में 2 के लिए P था, तो मुझे सोल्व करने की जरूरत है, मैं 2 को सोल्व नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे सोल्व है. फर्क है खाली थर्ड का S या Q होना चाहिए कि नहीं. थर्ड क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैटर्न ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंटेड ऑल्टरनेट लेयर्स. यस, हेक्सागोनल पैकिंग में AB AB होता है, तो वही तो उन्होंने बताया. द पैटर्न ऑफ स्फीयर इज repeated in the alternate layers. तो 3 के साथ S आना चाहिए, 3 के साथ S यहाँ पे आ रहा है, that means इसका answer ये होना चाहिए. Am I right or wrong? Are you getting this? समझ में आ रहा है आपको? Easy है, it's not difficult. थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा. We'll continue. Let's go for the next one. अच्छा question है यहाँ पे, हमें दिया गया है the density and the edge length values of a crystalline solid with FCC lattice. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया उन्होंने. FCC मतलब number of atoms आपके पास 4 है, Z की value 4 मिल गई. हमारे पास formula है density का, Z into molecular mass upon A cube NA. Second thing उन्होंने बताया हुआ, density is 10 gram per centimeter cube and this is 400 picometer. The number of unit cell in 32 gram. जब भी आपको ऐसा question पूछते हैं, number of unit cells कितने होंगे 32 gram, तो आपको molecular mass find कर लेने का. क्या फाइंड करने का? मॉलिक्यूलर मास उन्होंने नहीं दे रखा है. चलो एक काम करते हैं, सिंपल सा. ओके, सो डेंसिटी हमें दे दी है, कितनी दे रखी है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, जेड हमें फाइंड करना है. लेट्स से जेड नहीं फाइंड करने जरूरत है, जेड कितना दे रखा है, 4 दे रखा है. जेड क्या दे रखा है आपको, 4. मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है, मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है. ए क्यूब, ए 400 पिकोमीटर है, ए को हम एक काम कर लेते, 400 पिकोमीटर इक्वल्स टू 400 × 10^-12 मीटर, या तो 400 × 10^-12 है, तो -10 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, डेंसिटी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है. 400 × 10^-10 सेंटीमीटर का क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10^23. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, हम पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे 10, ये 4 इनटू एम, यहाँ पे 4 का क्यूब आएगा 64, 100 × 10^-10 10^-8 हो गया, और ये हो गया 10^-24 इनटू 6.02 10^-23. ठीक है, नाउ ये 4 से ये जाएगा 16, 10^-24 एंड 10^-23, 10^-1 आएगा. जब इसको हम सामने क्रॉस करेंगे, देन मॉलिक्यूलर वेट आपको मिलेगा 10 × 16 × 10^-1 × 6. तो यहाँ पे 10^-1 10 चला गया, 16 × 6 = 96 ग्राम आपको मिला, ग्राम पर मोल.
अभी वो पूछ रहे हैं, कि 32 ग्राम में कितना होगा। 32 ग्राम में नंबर ऑफ यूनिट सेल, पूछा गया है हमें। चलो बहुत ही सिंपल सी चीज कर लेते हैं, इसको और एक तरीके से कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग इतना लंबा मेथड, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। चलो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, उन्होंने क्या पूछ रखा है, सी वी हैव वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 4। उन्होंने पूछा हुआ है द डेंसिटी एंड एज लेंथ वैल्यूज फॉर द यूनिट सेल इज दिस। अच्छा, डेंसिटी होता क्या है, वेट ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी उन्होंने दे रखी है कितनी, 10। ठीक है, अगर एज लेंथ को मैं 400 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर ले, तो बिकॉज यहाँ पे उन्होंने पिकोमीटर में दे रखा, विच इज 410⁻¹² मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सो 4 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा अगर मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा, वेट ऑफ यूनिट सेल ले लेते हैं, वन यूनिट सेल का वेट अपन वॉल्यूम आपके पास कितना है, 4 × 10⁻¹⁸ होल क्यूब, 4 × 10⁻¹⁸ होल क्यूब। सो वेट ऑफ यूनिट सेल कितना मिला, 10, 4 का क्यूब मिला 64 × 10⁻²⁴ प्लस 64 × 10⁻²³ ग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास 64 × 10⁻²³ ग्राम है, देन नंबर ऑफ यूनिट सेल 1 है। तो 32 ग्राम के अंदर कितना, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं तो सिंपल सी चीज आप करोगे कि एक यूनिट सेल का वेट फाइंड कर लिया, तो 32 ग्राम के लिए कितना, दैट विल बी इक्वल टू 32 × 1 / 64 × 10⁻²³। 32 से 2 चला गया, 10⁻²³ ऊपर चला गया, 10⁻²³ / 2 विच विल बिकम 5 × 10⁻²² यूनिट सेल। समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, D = Z × m / a³/NA। कर सकते थे, बट वो करने के बजाय सिंपल सा तरीके से आपको मिल रहा है, व्हाई डोंट यू सॉल्व दैट, इट्स इजीयर वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। यहां पे अगेन और एक क्वेश्चन हमें दिया गया, फॉर टू आइसोमॉर्फस क्रिस्टल ए एंड बी। दो क्रिस्टल आइसोमॉर्फस, आइसोमॉर्फस का मतलब हो गया उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, चाहे शायद दोनों FCC है, शायद दोनों BCC है, वी डोंट नो अबाउट दैट। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए टू द डेंसिटी ऑफ बी इज 1.6, while the ratio of the edge length B to that of edge length A is 2. If the molar mass of crystal B is 200 gram per mole, then the crystal A ka molar mass kitna hai? Bahut hi simple tarike se karte, since they said they are isomorphous, that ZA equal to ZB mil gaya hai. Second thing, unhone density de rakhi hai, density ka ratio DA upon DB equals to 1.6, that's what they said. While the ratio of the edge length का मतलब हो गया, edge length of B to that A दे रखा है, उन्होंने यहाँ पे AB to AA दिया हुआ है। edge length अगर A लेते हैं, AB is to A is 2, and molecular weight of crystal B is 200 gram per mole, then molecular weight of crystal A is how much? That's what they are asking us. बहुत ही सिंपल सा तरीका है, let's do it. See, simple तरीके से we know this density of A upon density of B will be, density of A हमारे पास formula क्या है, ZA into MA upon AA cube into NA, Avogadro number, same way upon ZB into MB into AB cube NA. अच्छा, इसके अंदर कॉमन चीजें क्या क्या है, पहली कॉमन चीज आपको जो मिल रही है वो दोनों में एवोगैड्रो नंबर कट हो जाएगा, दोनों के अंदर ZA इक्वल टू ZB है वो कट हो जाएगा, तो आपके पास जो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर सिंपलीफाई करोगे, ये आपको मिलेगा MA अपॉन MB इनटू, ये जो डिनोमिनेटर यानी कि AB है वो ऊपर जाएगा, A नीचे रहेगा, AB अपॉन AA होल क्यूब मिलेगा।
Now it becomes easier for us because उन्होंने DA is to DB दे रखा है 1.6. So let me write 1.6. MA we need to determine. MB was given to us 200 and AB by AA was 2. So 2 cube. So molecular weight of A, if we use this thing, 1.6 into 200, और 2 का क्यूब होता है 8, नीचे आएगा 8, 25 आज आपको मिल रहा है, and 25 into 16, आपको मिलता है 400, 25 into 16 is 400, बट यहाँ पे गया 40 ग्राम पर मोल, that should have been the answer. हाँ, ये रहा, the answer. बराबर है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है ये question? That's fantastic. Let's continue further. Let's go for the next one. आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को पोस्ट करके समझ के लिखना है. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन से समझिए और लिखिए इसके आंसर्स. हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हुआ है. ये क्वेश्चन के अंदर क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 6, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू टू क्यूबिक फेसेस. सेम मेटल दो क्यूबिक फेस के अंदर क्रिस्टलाइज हो रहा है, एक है FCC के अंदर एंड सेकेंड BCC के अंदर, मतलब देर आर टू केसेस. और बताया गया है कि जब एजलेन देखते तो पहले के अंदर 3.5 एंगस्ट्रॉम थी, दूसरे के अंदर 3 एंगस्ट्रॉम है. देन द रेशियो ऑफ द डेंसिटीज FCC एंड BCC, रेशियो ऑफ डेंसिटीज पूछा गया है. तो देखो, सबसे पहले मेटल सेम है, मतलब आपके पास मॉलिक्यूलर वेट सेम है, MA एंड MB. फर्क खाली कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ एटम ZA, पहली बार FCC था तो उसका मतलब हो गया आपके पास ZA 4 है. ZB दूसरी बार जो आपको बताया गया है वो क्या है, बॉडी सेंटर, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम हो चुके 2. नाउ वुज यूनिट सेल लेंथ आर 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3 एंगस्ट्रॉम, उसका मतलब ये हो गया AA आपके पास 3.5 एंगस्ट्रॉम है, वेयर इज AB आपके पास 3 एंगस्ट्रॉम है. अभी डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी DA बाई DB, फॉर्मूला आपके पास DA का रहेगा. DA का फॉर्मूला रहता है ZA इंटू MA AA क्यूब इंटू NA डिवाइडेड बाय ZB इंटू MB AB क्यूब NA. सी अगेन, इसके अंदर भी मॉलिक्यूलर वेट, पहले तो NA NB चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वो कट हो जाएगा. आपके पास ZA ZB एंड AA क्यूब के फॉर्म में अगर हम डेंसिटी को लेके आ जाए तो इट विल बिकम लाइक दिस, दैट बिकम ZA अपन ZB इनटू AB अपन A होल क्यूब. हमें तो ये फाइंड करना है, ZA आपके पास था 4, ZB है 2, AB है आपके पास 3 और ये है आपके पास 3.5, उसका क्यूब रहेगा. पहले ये कट हो जाएगा 2. अच्छा, 3 अपॉन 3.5 का क्यूब. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर्स ऑप्शन है वो जरा देखते हैं. पहली चीज, आपके पास न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा बिकॉज ये 3 अपॉन 3.5 है. तो चलो कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 27 विच विल बिकम, एंड यहाँ पे 3.5 का क्यूब है, यहाँ पे किसका क्यूब है, 3.5 का क्यूब है. सो ये ऑप्शन शायद नहीं हो सकता, लेट्स चेक इट आउट वन बाय वन. एक हम 3.5 का क्यूब करते हैं, 35 का क्यूब, 35 इंटू 35, तो दिस विल बिकम 35 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है 25 एंड 3 4s are 12, 1225 इंटू 35 अगेन. सो ये होगा 5 5s are 25 एंड माइट बी वी कैन यूज अवर KLC, इजीली मिल जाएगा. व्हाई वी आर डूइंग दैट. सो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 2 2 into 27 divided by 2 into 27 divided by 3.5 divided by 3.5 divided by 3.5 equals to R आपको 1.259. तो 1.259 is to 1. This should be the answer.
A is your answer. We are supposed to use KLC in good set, so we'll use it. Let's go for the next question. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे जो दिया है, the density of a mercury is 113.6 gram per milliliter. आपके पास जो density of mercury दिया है, वो 13.6 gram per milliliter है. The diameter of an atom of mercury, assuming that each atom is occupying a cube of edge length equal to the diameter of the mercury atom, is approximately. आपको diameter find करना है. चलो मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन का मतलब क्या है. मुझे एक ही मिनट देना. सी, हम पहले तो ये सेंटेंस का मतलब समझते हैं. हमें क्या दिया उन्होंने? Assuming that each atom is occupying a cube of edge length equal to the diameter of mercury. Very simple thing. They are saying suppose अगर ये एटम आप क्यूब के अंदर रख रहे हो, तो जो एटम का जो डायमीटर है, इट शुड मैच the edge length of this cube. बोलते इसकी मतलब इसकी edge length यहाँ पे जो बताई वो और इसका diameter दोनों का same होना चाहिए. इसके बेस पे हमें करना है. चलो ठीक है, उसको हम simple तरीके से करते. एक काम करते हैं, इसको मैं side में रखा देता हूँ. यहाँ पे सबसे पहली चीज, मतलब इन शॉर्ट हमें edge length find करनी है. अगर edge length मिल जाती है तो आपको ये density मिल जाएगी. Mercury का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ मर्क्यूरी एच इज 200. मतलब अगर आपके पास 200 ग्राम होता मर्क्यूरी, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10^23 एटम्स होते. मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है? एक एटम का वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्योंकि अगर आपके पास एक एटम का वॉल्यूम मिल जाता है, then we can find out the something else also step by step हमें मिल जाएगा. किस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, देखो 200 ग्राम है तो इसके अंदर इतने आइटम है. तो उन्होंने जो डेंसिटी दे रखी है वो ये दे रखी है 13.6 ग्राम. तो 13.6 ग्राम के अंदर पहले कितने आइटम्स वो फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स. तो देट विल बिकम 13.6 × 6.022 × 10^23 / 200. मतलब इतने नंबर ऑफ एटम्स है. अच्छा, उन्होंने जब डेंसिटी बताई, डेंसिटी इज 13.6, मतलब ये हो गया ग्राम पर मिलीलीटर. कैन आई टेक इट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आल्सो? यस, इस दोनों मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक ही चीज है. नाउ जब हमें ये मिल जाता है, तो एक सिंपल सी चीज मिल जाती है. क्या? कि इसके अंदर जितने भी एटम है, मतलब ये हुआ 13.6 ग्राम का वॉल्यूम जो रहेगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा. बट हमें पता है कि भाई 13.6 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम इतने हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम इतने का वॉल्यूम 13.6 × 10^6 × 6.022 × 10^23 / 200, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन एटम, इतने एटम का 1 सेंटीमीटर, तो 1 के लिए आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस, दैट विल बिकम 1 × 200 / 13.6 × 10^23 × 6.022 माफ करना, नॉट 12. ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे. लेट अस यूज अवर केल्स. कैलकुलेटर में क्या अंतर हमारे पास है? 200 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 6.022 इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 2.44 इंटू 10^2. -23 वॉल्यूम ऑफ वन आइटम विल बी ए क्यूब, बिकॉज हमें बताया गया कि वो क्यूब की तरह बिहेव कर रहा है. सो ए विल बी क्यूब रूट ऑफ 2.44 × 10^-23. द क्यूब रूट जब निकालना है, तो ये जो होना चाहिए आपके पास वो 10^-24 में होना चाहिए. तो मैं इसको ले रहा हूँ 24.4. अच्छा, 10^-24 का आंसर आएगा 10^-8. विदाउट यूजिंग केल्सी लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट.
10^-8 24 का जो क्यूब रूट होता है ये सेंटीमीटर में मिलने वाला है 24.4 है, तो ऑब्वियस है 3 का क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट है 3, तो 24.4 का समवेयर अबाउट अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस पे देखता हूँ तो आई थिंक सो ये बहुत कम हो गया है, ये 3 ज़्यादा हो गया है, 2.91 आना चाहिए बिकॉज 10^-8 सेंटीमीटर इज अगेन एंगस्ट्रॉम है, 2.9 होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? सो आंसर आएगा आपके पास। अच्छा क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व करना जरा समझ में आना चाहिए। वेलकम बैक अगेन, वी कंटिन्यू फॉर दम। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन में ऐसा बताया हुआ है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इनटू स्ट्रक्चर व्हिच मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच कॉर्नर। ये क्यूब के अंदर वन एटम हर एक कॉर्नर पे है एंड देयर आर टू मोर एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर अगर आप देखते हो टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वन एंड प्लस दो डायगोनल पे एक यूनिट सेल के अंदर टोटल 3 एटम है उसके पास। एंड देन बताया गया इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज दिस मच एंड डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सेंटीमीटर 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। देखो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ माफ करना पहले हम फाइंड कर लेते हैं वेट ऑफ यूनिट सेल, वेट ऑफ वन यूनिट सेल इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हैज बीन गिवन टू यू 7.2 इनटू वॉल्यूम था 24 इनटू 10^-24। तो ये वेट है आपके पास एक यूनिट सेल का -24। अच्छा अगर हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करने 200 ग्राम में कितने, तो क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू 200 ग्राम डिवाइडेड बाय दिस 7.2 24 इंटू 10^-24 एंड टोटल नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है तो एक यूनिट सेल के अंदर 3 एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 3 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 200 है 2000 नहीं है, सो लेट्स यूज अवर कैलकुलेटर एंड इमीडिएटली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू है 3 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 7.2 डिवाइडेड बाय 24 3.47 10^-24 ऊपर चला जाएगा सो 3.47 10^-24 एटम्स ये आंसर होना चाहिए 3.47 10^24 यहाँ पे 3.5 आंसर आएगा ए। आपको समझ में आ रहा है, लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ ए सैंपल ऑफ द फेरस ऑक्साइड हैज एक्चुअल फॉर्मूला आपको ये दिया है Fe.93O इन दिस सैंपल फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयन्स Fe2+ के कितने मेटल आयन है ये पूछा है एंड सेकेंड थिंग टाइप्स ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बाय द वे ये जो टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो मेटल डेफिशिएंसी है, मतलब ये दो ऑप्शन तो चले गए, आपके पास कौन सी है मेटल डेफिशिएंसी। एंड अगर ये 0.93 है ना तो वो 84% आएगा, कैसे मैं आपको बता देता हूँ, तो 0.849 चलो हम सोल्व करते हैं इसको।
बहुत ही सिंपल सा है, एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट पहले बता देता हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट याद रखना, Fe2+, Fe3+ या तो M2+, M3+ के लिए ही चलेगा। उसमें क्या करने का, ये 0.93 मतलब 93, 100-93 करो, 100-93 हो गया 7, 7 × 2 डिवाइडेड बाय, आपको करना है 0.93 था तो यहाँ पे ले लोगे 0.93 × ये 1 है तो यहाँ पे लोगे 1, तो आपको करीबन ये मिलेगा अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, 7 × 2 डिवाइडेड बाय 0.93 तो आपको मिल रहा है 15%। ये परसेंटेज जो मिलेगा ना वो Fe3+ का परसेंटेज मिलेगा। एंड Fe3+ का अगर 15 है तो Fe2+ का कितना होना चाहिए, 0.849, 15 पॉइंट समथिंग था, ये 0.849 बिकॉज Fe2+ आपको मिलेगा 85%, विच इज इक्वल टू 0.849 फ्रैक्शन। अभी ये समझ में नहीं आता है, मैं आपको करेक्ट तरीका सिखाता हूँ। ये तो हमने सीखा वो शॉर्टकट था, हमें क्या करना है, उन्होंने Fe.93 ये दे रखा है, O100 हम एक काम करते हैं, एक्चुअली Fe.93 जो है ना उसके अंदर ऐसा है, Fe2+ के X आयंस रहेंगे, Fe3+ के Y आयंस रहेंगे एंड टोटल मिलेगा O। ये कॉम्बिनेशन होता है, ये जो मिलता है ना Fe.93 2+ एंड 3+ के, इसका मतलब ये जरूर हो गया दैट X+Y = 0.93, या तो मैं लिख सकता हूँ Y = 0.93 - X, इसको साइड में छोड़ देते हैं। हमें X डिटरमाइन करना है फ्रैक्शन ऑफ Fe2+। सेकेंड थिंग, सिंस ये न्यूट्रल है, अगर ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है देन जो Fe2+ के ऊपर चार्ज होता है मतलब 2X + 3Y शुड बी ऑलवेज इक्वल टू +2 बिकॉज ऑक्साइड के ऊपर जो चार्ज होगा वो -2 होगा, अगर वो -2 है उसको मैच करना है देन दिस चार्ज हैज टू बी +2, 2X + 3Y = +2। अभी Y = 0.93 - X ले लेते सो 2X, इसको ओपन करोगे 3 × 0.93 तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2.79 - 3X = 2। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो X = आएगा 0.79, X = 0.7 है लेकिन उन्होंने फ्रैक्शन पूछा हुआ तो ये 0.79 मत देते ना, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन X = 0.79 out of 0.93 है, 0.79 आउट ऑफ हाउ मच है 0.93 है, तो 0.79 को अगर आप 0.93 से डिवाइड करते हो तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 0.79 / 0.93, कितना मिल रहा है 0.849। सो देयरफॉर इसलिए ये आंसर आएगा, करेक्ट और नॉट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, देखो, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्म फ्रॉम द M.98O, कितना दिया हुआ है आपको M.98O, मेटल M इज प्रेजेंटेड एज M2+ and M3+, फ्रैक्शन ऑफ द मेटल, इस बार M3+ का पूछा हुआ है, तो सेम तरीके से हम करेंगे जैसे अभी हमने किया, हमारे पास ये है M.98O तो हम उसको लिख देंगे M2+ X, M3+ Y, O, therefore X + Y = 0.98, करेक्ट और नॉट, और इस बार हमें Y डिटरमाइन करना तो Y को सब जगह X = हम लिख देंगे 0.98 - Y। सेकेंड थिंग, दिस इज न्यूट्रल, सो 2X + 3Y इज सपोज टू बी +2, अभी X की जगह पे डाल देंगे 0.98 - Y + 3Y = 2, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 1.96 माइनस
2y प्लस 3y इक्वल्स टू 2। फाइंड करोगे y मिलेगा 0.04। परसेंटेज फाइंड करना है, यहाँ पे परसेंटेज पे पूछा हुआ, ये आंसर आने वाला है, इनके से जरा मैं बताता हूँ। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ y इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.98। 0.98 यहाँ से आएगा, परसेंटेज फाइंड करना है, इंटू 100 कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स यूज अवर कैलकुलेटर। 0.04 डिवाइडेड बाई 0.98 इंटू 100 मिल रहा है 4.08। अच्छा माफ करना, मैंने गलत आंसर दिया हुआ, 5.08 नहीं आएगा, इट शुड बी 4.08। Did you get this? That's fantastic. Let's go for one more question. What question? Number 11. Which of the following defects decreases the density? Density kaun decrease karta hai? Scott Key defect. It's not a hot question. It's a simple question. Let's go for the next question. A solid abhi. Aise wale bahut sare questions kar rakhe, isliye main ye nahi karwa raha hu. Bahut easy hai. Which of the following statement is not correct about the hexagonal close packing? Close packing is 74% available space है, ये कर चुके, it is ABAB type BEMG, यहाँ पे दे रखा coordination number is 6, भाई hexagonal का coordination number आपके पास 6 नहीं है, it should be 12, तो यहाँ पे गलत है, coordination number is 12. Then the next one, mark the incorrect pair from the following, कौन सी incorrect pair है? It's not metal axis defect, it is metal deficiency. I think so, I'm done over here. These are the hot question series number 2. Please, aap sab question ko achi tarah solve karna. Aur maine kaafi sare practice questions de rakhe. I want you to solve all of them practice questions. Aur baad mein ek paper hai, wo bhi aapko online dena hai. Wish you all the best. Main abhi aapke saath baad mein aur ek chapter leke aa raha hu. Shayad aaj ke din mein hi main upload kar raha hu. That is solution. See you.